how are you all? i hope you all are doing good today. we are going to study our occupations. points to study. occupations. different kind of occupations. ready. steady. start. tell the names of some people who work in your school and what they do. Ye khud se karenge. occupations. food, clothing and shelter are the basic necessities of life. we need many more things in our life besides these basic necessities. वी बाय मनी थिंग्स टू फुलफिल आर नीड्स टू बाई थिंग्स वी नीड मनी वी अर्न मनी ट्रू आर वर्स वर्क्स टर्न टू अर्न मनी आर कोल्ड ऑक्यूपेश सो एनी जॉब दट हेल्प्स टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन ओके देखिए फूड क्लोथिंग शेल्टर ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं ओके okay? इन्हें पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसे अर्न करने के लिए हमें काम करना पड़ता है तो कोई भी काम जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं हमारी ऑक्यूपेशन कहते हैं ओके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आर कंट्री डू अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एवरीबडी कैन नॉट डू द सेम टाइप ऑफ जॉब पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देअर लाइकिंग्स एंड नीड फॉलोइंग आर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस देखिए पैसे आन करने के लिए डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं डिफरेंट जगह के जो लोग होते हैं सब अलग अलग जॉब्स करते हैं हर कोई सेम जॉब नहीं कर सकता मतलब कि सब मिलके एक ही जॉब नहीं कर सकते ठीक है लोग जॉब चुनते हैं अपनी हिसाब से जैसे कि जो उनकी लाइकिंग है जो उन्हें पसंद है ओके तो डिफरेंट टाइप की जॉब्स कौन कौन सी होती हैं पहली है फार्मिंग In our country, a large number of people live in villages. Farming is the main occupation of the people living in villages. Farmers grow many types of crops such as food grains, pulses, oil seeds, sugar canes, cotton, fruits, and vegetables. People who are engaged in farming are called farmers. Growing crops is not an easy process. Flatland फर्टाइल सॉइल एंड मीन्स ऑफ इरीगेशन आर नीडेड फॉर फार्मिंग ओके देखिए फार्मिंग जो होती है हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलेज़स में रहते हैं और विलेज़स में रहने वाले लोग जो ऑक्यूपेशन करते हैं वो होती है फार्मिंग फार्मिंग जो होती है वो एक फ्लैट लैंड पे की जाती है वहाँ पर करने के लिए फार्मिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है जैसे कि सीड्स मीन्स ऑफ इरीगेशन फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सारी चीज़ें की जरूरत एक फार्मर को पड़ती है ओके okay? नाउ जो फार्मर्स ग्रो करते हैं वो क्या होते हैं आपके पल्सेज होते हैं क्रॉप्स होते हैं क्रॉप्स में ग्रेन्स होते हैं ऑयल सीड हो गया शुगर केन हो गया ओके नाओ यू मस्ट नो अबाउट सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज इन ग्रोइंग क्रॉप्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिया के जो 70 परसेंट पीपल है वो किस चीज में एंगेज्ड है क्रॉप्स ग्रो करने में ओके नाउ कैटल रियरिंग बिसाइड फार्मिंग द फार्मर्स ऑल्सो कीप कैटल लाइक काउस बलगस बफेलोस एसेट्रा दीज एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज काउस एंड बफेलोस

प्लफिंग के लिए रखा जाता है फील्ड की ओके शीप हमें वूल प्रोवाइड करती है डेयरिंग इज ऑल्सो असोसिएटेड विद कैटल रियरिंग इट इज एन ऑक्यूपेशन कंसर्ट विद ऑप्टेनिंग मिल्क पीपल मेक वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक बटर घी चीज एट्सेट्रा फ्रॉम मिल्क जैसे कि मैंने अभी बताया कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और ये भी एक तरीके की ऑक्यूपेशन होती है मिल्क से लोग बटर घी चीज़ ये सारी चीज़ें बनाते हैं और बेचते हैं पोल्ट्री फार्मिंग इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल पोल्ट्री इज डन ऑन बिग एंड स्मॉल फार्म्स पोल्ट्री बर्ड्स सच एज हैं ड एंड गीज़ आर रियर्ड फॉर एग्स एंड मीट ओके देखिए पोल्ट्री भी एक टाइप की ऑक्यूपेशन होती है पोल्ट्री में जो लोग होते हैं वो हैं डक गीस जैसी बर्ड्स को पाल पालते हैं उन्हें रखते हैं इनसे हमें एग्स मिलते हैं और मीट मिलती है ओके okay? फिशिंग Fishing or catching and rearing fish is an important occupation of the people living in the coastal areas. Fish is an important source of food. It also gives us oil and other useful things. Fishermen catch fish using a fishing net. Fish are salted and canned to preserve them. They are then sent to distant places. Fishery provides एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओके देखिए फिशिंग जो होती है वो क्या होती है लोग कोस्टल एरियाज में जाते हैं और एक नेट की हेल्प से फ़िश को पकड़ते हैं ओके okay? वॉटर में नेट डालते हैं और उसमें फ़िश आ जाती हैं ठीक है अब फिश जो होती है उसे बेचते हैं लोग क्योंकि लोग फिश खाना पसंद करते हैं ओके नाव फॉरेस्ट्री

अर्थ का जो लार्ज पार्ट है वो फॉरेस्ट से ही कवर्ड है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है लेम्बरिंग का मतलब होता है कि लोग फॉरेस्ट से जाके यूज़फुल चीज़ें कलेक्ट करते हैं जैसे कि वुड हो गया फॉरेस्ट में बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती है जैसे कि टिम्बर फ्यूल वुड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे कि गम हनी हर्ब्स ओके नव वुड का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए फर्नीचर बनाने के लिए बिल्डिंग्स बनाने के लिए ओके माइनिंग इंडिया इज रिच इन मिनरल रिसोर्सिस मिनरल्स लाइक कोल पेट्रोलियम मीका आयरन एट्सेट्रा आर फाउंड इन मेनी पार्ट ऑफ आर कंट्री पीपल लिविंग इन दीज एरियाज़ ऑफ द कंट्री आर मोस्टली एंगेज इन माइनिंग दे मिनरल्स फ्राम द अर्थ डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग ओके देखिए माइनिंग क्या होता है अर्थ को डिग करके जो मिनरल्स निकाले जाते हैं इस प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं तो माइनिंग करके हमें क्या क्या मिलता है आयरन मीका पेट्रोलियम कोल ये सारे मिनरल्स हमें मिलते हैं ओके वी गेट मेनी काइंड ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स मेटल्स लाइक आयरन एंड स्टील एल्यूमिनियम कॉपर एट्सट्रा आर यूज़ फॉर मेकिंग बिग मशीन्स रेलवे इंजेंस ट्रांसपोर्ट वहीकल्स एक्सेट्रा ओके देखिए जो मेटल्स और मिनरल्स हमें माइनिंग करके मिलते हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं इनसे हम बनाते हैं मशीन्स रेलवे इंजन्स, ट्रांसपोर्ट वहीकल्स ओके अदर ऑक्यूपेशंस There are many other occupations in which people are engaged in cities. Many people work in offices. Some run their own business, while others are engaged in running business of others. Besides, these are the professions like teacher, lawyers, painters, singer, doctor, engineers, cobblers, masons, blacksmith, tailor, carpenter, weavers, etc. Many people earn their livelihood by writing books, painting. सिंगिंग डांसिंग एंड एक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन इंडस्ट्रीज ओके देखिए बहुत सारी ऑक्यूपेशन होती हैं जिसमें लोग एंगेज रहते हैं जैसे कि लोग ऑफिस जाते हैं या फिर उसके अलावा लोग अपना बिजनेस चलाते हैं या फिर कुछ लोग दूसरों का बिज़नेस खुद चला रहे होते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी ऑक्यूपेशंस होती हैं जैसे कि टीचर की लॉयर की कोबलर की कारपेंटर की ओके इस तरीके से ये सारी ऑक्यूपेशंस होती हैं जो डिफरेंट लोग करते हैं ओके इसके अलावा भी होती है जो लोगों का शौक़ होता है जैसे कि पेंटिंग राइटिंग बुक्स ओके नाओ आगे बढ़ते हैं ओरल स्किल्स वट डू यू मीन बाई ऑक्यूपेशन what is mining ye aap khud se keywords besides in addition to something rear to take care of young children and animals mining process of digging in the ground let's recapitulate the main occupation of people living in villages is farming fishing is the main occupation of the people living near the coastal areas mining is the main occupation of the people living in areas where minerals are found मैनी पीपल डिपेंड ऑन देअर ऑक्यूपेशन फार्मिंग फिशिंग लम्बरिंग एंड माइनिंग सम पीपल आर प्रोफेशनल्स सो स्टूडेंट आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे